आज सुबह सुबह किचन में आई हूँ नाश्ता बनाने के लिए, तो साथ साथ ज़ारा बतुल मैडम उठ गई हैं। बिल्कुल भी नहीं छोड़ती है मुझे कि मैं अपना काम सुकून से कर लूँ। इन लोगों को स्कूल भेजना है, मेरे को ऑफिस भेजना है, नाश्ता बनाना है, बट बीच में इनका काम। पहले बनाते ज़ारा की फीडर। चलो अच्छा, चलो बंद करो लाइट। अच्छा अच्छा, मैडम को लाइट बंद करवानी है। चलो ये अपना टूटू, और मुझे कह रही है कि यहाँ पे लेट जाओ। अरे मामा को भी, आप भी और भाई को भेजना है स्कूल। तो बस मुझे जल्दी से किचन में जाके तैयारी करनी है, और ये मैडम कह रही है कि मेरे साथ ना लाइटें बंद करो और वापस से सो जाओ। मम्मा की शहजादी आ रही है मम्मा, ठीक है। किचन में उनको रूम में सेट करा है। अभी फिलहाल जल्दी से बनाते हैं पराठे। आटा मैं गूंद के रख कर गई थी, अब जल्दी से पराठे बना लेती हूँ, टाइम कम है। फातिमा मैडम रेडी होकर आ गई हैं, और इनसे अभी तक अपना नाश्ता ही नहीं खत्म हो रहा। जल्दी करो ना यार। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है, शुक्र है। हमारी छोटी मैडम तो सेट हो गई हैं, अभी बस इनको जरा सा सेट करना है, क्योंकि नाश्ता करने में ना बहुत नखरे करती। जल्दी शुरू करो मेरा शहजादा बच्चा। और यहाँ पे आयान बिल्कुल फ्री होके बैठे हैं। ये मैंने बनाया है इन लोगों का बैग, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा कपड़े लेके जाने थे। आज दोनों का एक एक सूट एक्स्ट्रा कर दिया, क्योंकि आज इन लोगों की है वाटर एक्टिविटी, पानी में यू नो पूल वगैरह में इंजॉय करेंगे, कुछ इस तरह की एक्टिविटी है। तो यस, मैंने इनका ये छोटा सा बैग बना दिया, जिसमें ये एक्स्ट्रा कपड़े हैं, ताकि ये लोग इजीली चेंज कर लें। और ये पकड़ के लेके जाएंगी फातिमा। कितना भारी है कपड़े, ये इसमें खाली कहाँ से भारी है। बच्चों को मैंने भेज दिया, जब उनके जाने का टाइम होता है ना, ज़रा बतुल बहुत रोती है। और साथ साथ ना मैंने अपना रूम भी क्लीन कर लिया है। ये रूम मेरा पूरा क्लीन है, क्योंकि अभी जब मैं उठूँगी ना थोड़े टाइम बाद, अभी तो ज़रा बतुल और मैं सो जाएंगे, थोड़े टाइम बाद जब मैं उठूंगी ना तो मैं छुपके से निकल जाऊंगी, तो ये वाला रूम इसलिए मैं सुबह में क्लीन कर लेती हूँ। बाकी यहाँ पर अभी काम है, इसको मैं थोड़ा सा अभी रेस्ट करूँगी एक आधा घंटा, उसके बाद उठ के ये वाला रूम क्लीन करूँगी। डस्टिंग वगैरह सब कुछ सेट मैंने कर दिया, सिर्फ नीचे से झाड़ू वगैरह लगानी है, तो ये इंशाल्लाह थोड़े टाइम बाद करेंगे। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, ज़रा के साथ सो जाते हैं। तो यहाँ पर ना मैं उठकर आ गई थी अपनी सफाई करने के लिए, बहुत मुश्किल से ज़रा बतुल को सुलाया, और थोड़ा सा मैं भी सो गई थी, चुपके से मैं निकल कर आई, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ज़रा बतुल फिर से उठकर आ गई, और इसके साथ काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है मेरे लिए। जैसे जैसे उसको मैंने बिठाया मोबाइल देके, और फिर बाकी का काम फिनिश किया, उसके बाद किचन में गई, किचन का काम फिनिश किया। किचन में सुबह नाश्ते के बर्तन थे, उनको मैंने धोना था, बट मैंने सोचा पहले दोपहर का खाना बना लूँ, इकट्ठे किचन को क्लीन करूँगी, क्योंकि बच्चे आएंगे ना स्कूल से तो उनको बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है, ऑलमोस्ट एक बज जाते हैं उनको वापसी में, तो इसलिए झटपट से मैंने खाने की तैयारी शुरू करी। बट उससे पहले ना मुझे ये बास्केट को क्लीन करना था, बहुत ज़्यादा बर्तनों से फुल हुई हुई थी, सारी प्लेटों को मैंने जगह पे रखा, सारी चीज़ों को सेट करा, और उसके बाद ज़रा को देखिए हमेशा मेरे साथ साथ रहती है। और हाँ, ज़रा बतुल को भी कुछ खिलाना पिलाना था, और मुझे ज़रा बतुल की ना फीडर को बॉयल करना था, तो उसके लिए मैंने पानी गर्म पर रख दिया। और फिर अभी मैं यहाँ पे फीडर धोने के लिए आई, तो मैडम फ़ौरन से अपनी पैसफाई भी मुझे देती है कि उसको भी वॉश कर दो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुंदर सुमेर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, और हम भी बिल्कुल ठीक है। ब्लॉग स्टार्ट किया है मैंने बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ना, आधा एक घंटा जैसा सो जाती हूँ, फिर उठ के मैंने सफाई करी। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, इतनी ज़्यादा हो रही है, और लाइटें तो वैसे ही तंग करती है भाई। तो अभी अभी हमारी लाइट आई है, और अभी फ़िलहाल ज़रा बतुल भी उठ चुकी है। ज़रा बतुल को मैंने उस कमरे में ना मैंगो दे के बिठाया है, बहुत ज़्यादा जब सोकर उठती है ना तो इतनी ज़्यादा चिड़चिड़ी हुई होती है ना आधे एक घंटे तक, और मुझे ना थोड़ा बहुत काम करना था, तो उसको मैंगो दे के बिठा दिया। और जब वो मैंगो खाती है ना, इतना ज़्यादा मैस कर देती है, मतलब अपने कपड़े, अपना मुँह, मतलब सब भी कुछ। आई थिंक कोई बच्चा भी मैंगो खाता होगा ना, वो ऐसे ही करता होगा। तो फिलहाल उसको लेकर आई हूँ, वो ज़रा मैंगो खा ले, उसके बाद मैंने ज़रा को शावर देना, उसको ज़रा रेडी करना है। अभी चलते हैं ज़रा बतूल के पास। काम तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हो चुका है बिल्कुल। सुबह उठ के सबसे पहले मैंने अपने घर को ही क्लीन किया, आधा काम करके सो जाती हूँ ना, तो फिर उठने के बाद हल्का फुल्का सही काम रहता है। तो यस, सब कुछ क्लीन है अल्हम्दुलिल्लाह। किचन थोड़ा सा अभी मैस है, क्योंकि खाना बना रही हूँ, खाना बना रही हूँ ना, तो एक दफ़ा खाना पक जाए तो एक ही दफ़ा मैं किचन को भी क्लीन कर लूँगी। अभी फ़िलहाल खाना मैंने चढ़ा दिया है, और मैं भी ना ज़रा बतुल के साथ बैठ के थोड़ा सा मैंगो खा लेती हूँ। तो यहाँ पक रहा है मेरा खाना, अभी टाइम लगेगा पकने में, तक हम खाते हैं अपने मैंगो। देखो ज़रा गंदी बच्ची ने क्या हाल किया, अपने कपड़ों पर हर जगह मैंगो लगाया हुआ है। ये इसी तरह से इतना ज़्यादा तंग करके, इतना ज़्यादा मैस करके ये मैंगो खाती है ना ये लड़की,
कर दी बच्ची। अभी फिलहाल मैं भी जल्दी से मैंगो खाती हूँ, क्योंकि इससे पहले इसका फिनिश होगा ना, फिर उसको लगेगा कि मम्मा जल्दी से हाथ मुंह धुलाओ मेरे। तो मैंगो तो हमने खा लिया है, अब बारी है ज़ारा बतूल को शावर देने की और उसके लिए कपड़े निकालने की। तो सबसे पहले ना मैं उसके कपड़े निकाल लेती हूँ। मैंने ना ये निकाला है, इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, तो बस ये हल्का सा ये पहना दूंगी और नीचे कोई छोटी सी चड्डी वगैरह पहना दूंगी, जिससे इसको दिन भर में ईजी रहे। अभी मैडम वॉशरूम में चलते, हम उसको शावर दे देते हैं। और ये मामा की शहजादी रेडी हो गई। कम यार, ज़ाया बतूल को नहलाने में, इसको तैयार करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि इसके बालों में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। भैया पूरे ऐसे उलझे हुए होते हैं आपस में, इतने ज़्यादा वेव्स है इसके बालों में, तो बहुत ध्यान से इसको नहलाते वक्त ही मैं इसके हेयर कॉम करती हूँ, या छोटी वाली जो कंघी करते हैं वो उसी वक्त करती हूँ, ताकि इसको ज़्यादा पेन ना हो। गीले गीले बालों में कंडिशनर शैम्पू लगा के फिर ही इसका कॉम होता है, वरना आम दिनों में तो इसके बालों में हेयर कॉम मैं कर ही नहीं सकती हूँ। थक गई, मजा आया स्विमिंग करके? क्या क्या किया? और उससे ज्यादा मजा आया। हाँ, और क्या क्या किया बेटे ने? वाटर बलून जब एक दूसरे को फेंके। वाओ, वाटर गन थी बच्चों के पास। चलो आप लोग ने मतलब अच्छा एंजॉय किया है ना। ये मैंने कपड़े इनको देकर भेजे थे और गीले कपड़े इस शॉपर में। चलो इसको सुखाती हूँ मम्मा, वॉश ही करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा किचन बिल्कुल क्लीन हो गया और खाना भी मेरा रेडी है। चावल मैंने दम पर रख दिए हैं, साथ साथ यहाँ बना ली है मैंने सलाद और यहाँ पे बना हुआ है मेरा रायता। और साथ साथ मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, सारा इतना सारा काम करके ना बिल्कुल पसीनों में हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी। और किचन में काम करना गर्मियों में ना बहुत ही एक मुश्किल काम होता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह खाना मेरा रेडी हो चुका है, बर्तन भी धुल चुके हैं, अब मैं करूँगी थोड़ा सा रेस्ट, थोड़ी सी हवा खाऊंगी। एक्चुअली ये बच्चे कैसे यहाँ पे बैठ के खाना खा रहे हैं, स्कूल से आए थके हुए और वापस से चली गई लाइट और बेचारे ऐसे बैठ के खाना खा रहे हैं। आन कैसे बने चावल? मजे के। आन तो बहुत ज़्यादा थके हुए, फातिमा बहुत ज़्यादा थकी हुई है। खैर दोनों यहाँ बैठे हुए और हमारी मैडम को देखो जरा, यहाँ पे प्लेट लेके घूम रही है। तो इसके साथ ना मैंने उमेर को भी खाना दे दिया और अपना भी खाना निकाल लिया। बहुत तेज़ भूख लग रही थी और सुबह से बहुत काम कर लिया, तो बस रेस्ट करते हैं, थोड़ा सा खाना खाते हैं, ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।